आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। आज गूंज में मसला देश के सिरमौर को लेकर हुआ, चर्चा उस जम्मू कश्मीर की जहां पर लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। और इस बार मैं कश्मीर को थोड़ा अलग रखूंगी क्योंकि पहले फोकस कश्मीर पर हुआ करता था और इस बार एक के बाद एक पिछले चार दिनों में जो आपके सामने आया है उसने चिंता में सबको डाल दिया है। जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में 9 जून से लगातार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच लुका छिपी का खेल जारी है। 9 जून को जम्मू के रियासी में माँ वैष्णो देवी के दर्शन से लौट कर आ रही टूरिस्ट बस पर आतंकियों ने कायराना हमला कर दिया। इस हमले में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 40 यात्री घायल हो गए। हमले के 2 दिन बाद यानी 11 जून को, और बहुत गौर से सुनिएगा इस पूरी टाइमलाइन को, 9 जून आपने देखा, उसके बाद 11 जून को कठुआ में आतंकियों ने गांव में घुसकर डेरा जमाने की कोशिश की, सुरक्षा बलों ने छापेमारी की, 2 आतंकी उसमें मारे गए, 1 आम आदमी घायल हुआ। ठीक उसी दिन जम्मू के डोडा में QRT टीम उस पर आतंकी हमला हो जाता है, 5 जवान घायल हो जाते हैं। 12 जून को फिर डोडा में ही आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ की खबर सामने आती है। 1 जवान के घायल होने की खबर भी आपने News18 India पर देखी होगी। ये खबरें पिछले 4-5 दिनों की है। हमले का केंद्र इस वक्त क्या नजर आ रहा है आपको? जम्मू नजर आ रहा है। धारा 370 हटने के बाद ज्यादातर आतंकी वारदात की जो खबरें हैं वो कश्मीर से आती रही है। आप जानते हैं पहले कश्मीर घाटी जो है वो केंद्र हुआ करता था, अब क्या हो रहा है ये शिफ्ट होकर आ चुका है जम्मू में, डोडा, रियासी, कठुआ। कश्मीर घाटी जो टारगेट पे हुआ करती थी वहां से मामला शिफ्ट होकर आप देख रहे हैं ब्लिंक करते हुए बिंदु आपको नजर आ रहे हैं। और अचानक चुनावी नतीजों के ऐलान के बाद ये आतंकी हमले जो हैं वो शिफ्ट हो गए हैं। क्यों? हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि पंजाब और अयोध्या में भी आतंकी घटनाओं को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण इलाके यानी पहले कश्मीर, कश्मीर से जम्मू, जम्मू के बाद अब पंजाब में भी हाई अलर्ट, और पंजाब के बाद अयोध्या, उत्तर प्रदेश की नगरी अयोध्या, फैजाबाद में प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को लेकर भी खबर आ रही है कि ये आतंकियों के निशाने पर है। जो खबरें आ रही है उससे ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के पनाह में पल रहे आतंकी ये सोच रहे हैं कि केंद्र की सरकार संख्या के लिहाज से ताकतवर शायद इस वक्त नहीं है, नंबर गेम पर ज्यादा चल रहा होगा दिमाग और ध्यान, तो यह सही मौका है भारत में आतंक का जाल फैला लिया जाए। लेकिन शायद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पाकिस्तानी आतंकी भूल गए हैं, उनको आज ये बात याद दिलानी जरूरी है। भारत अपने खिलाफ, इस मुल्क के, इस मिट्टी, इस वतन के खिलाफ जो कोई साजिश रचता है उससे बदला लेने में, उसे सबक सिखाने में बहुत अच्छी तरीके से अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बलों को खुली छूट है कि आतंक के हर पनाहगार पर एक्शन लिया जाए। देश के दुश्मन को हमारे सुरक्षा बल कैसे खत्म करेंगे वो सुरक्षा बल तय करेंगे, वो हमारे सैनिक तय करेंगे, हमारी सेना तय करेंगे, जैसे पहले किया था। और इसीलिए कश्मीर के खीर भवानी मंदिर में कश्मीर पंडित जो है, कश्मीरी पंडित, वो बिना किसी खौफ से आज के मेले में शामिल हो रहे हैं। सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है, 1 का जवाब 10 से लेने के लिए तैयार है। लेकिन आज भारत में रह रहे उन लोगों से भी एक सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है। 4000 किलोमीटर दूर गाजा पट्टी का दर्द तो बड़ा नजर आता है, फॉरन जो है बड़े बड़े अपने ट्वीट्स और अपने एक्स पोस्ट और अपने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज छाप ली जाती है, ऑल आइज ऑन राफा, हाँ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है। उन लोगों में से कितनों को रियासी कहां है ये पता है? संवेदना और गुस्से की बात राफा की तो उनके अंदर जाग जाती है, लेकिन जब बात रियासी की होती है तो कहां छुप जाते हैं? उंगली पर क्विक फिक्स लगाकर कैसे होठों पर रख लेते हैं और कीपैड पर क्यों उंगलियां चलना बंद हो जाती है? आज गूंज में इस बात को लेकर चर्चा करनी जरूरी है कि भारत आतंकी हमले पर अब क्या जवाब देने वाला है। सबकी नजर इस पर है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अयोध्या में मौजूद राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दे दी है। जैश